वेलकम टू माय शो बॉबी द मैथनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने डायरेक्टर अमित मासूरकर की फिल्म शेरनी देखी, स्टारिंग विद्या बालन, मैनी अदर एक्टर्स। और ये फिल्म मुझे इतनी घटिया लगी कि मैंने आधे में ही बंद कर डाली। द फिल्म इज बियॉन्ड डिजास्टर। इतनी बोरिंग फिल्म है, सिवाय जंगल शानदार बताया है, बाकी किसी सीन में दम नहीं है। एक भी सीन में आपको एक्साइटमेंट हो रही नहीं होती कि आप ये फिल्म आगे देखें। इतनी बोरिंग पिक्चर है। हालांकि पिक्चर की जो स्टार है विद्या बालन, वो एक घंटे तक फिल्म मैंने देखी और मुझे कहीं वो शेरनी नहीं लगी, वो भीगी बिल्ली लगी। एकदम ठंडा परफॉर्मेंस, एकदम ठंडा रिस्पॉन्स और स्क्रीन प्ले एकदम फालतू। पता नहीं कुछ क्रिटिक्स ने इसको 3.5 स्टार्स 4 स्टार्स दिए। आई डोंट नो हाउ व्हाट दे सॉ इन दिस मूवी। मुझे तो बर्दाश्त के बाहर हो गए जब सरज सक्सेना वो तेंदुए की टट्टी चार्ज करता है ना, क्या ये तेंदुए की टट्टी है? बस दैट वाज द एंड। वहाँ मैंने फिल्म बंद कर दी, बोला अभी मेरा पावर खत्म हो गया, आई कांट सी दिस मूवी एनी मोर। जैसे मैंने पहले ही कहा था, जैसे विद्या बालन एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और किस तरह वो जंगल में जाती है और क्या इलीगल एक्टिविटीज होती है वहाँ पे आदिवासी पे क्या गुजरती है वो सब पता है। तो ये तो धर्मेंद्र की 1976 की फिल्म देखो माँ, जबरदस्त पिक्चर, जबरदस्त सुपर डुपर हिट, साउथ के प्रोड्यूसर ने बनाई थी, सुपर डुपर हिट फिल्म। किस तरह से उसमें यही सब बताया है, देखो कितना धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया धर्म जी ने और हेमा मालिनी जी, और धमाकेदार पिक्चर एकदम सुपर डुपर हिट। और इसमें तो कोई पिक्चर में शेरनी पिक्चर में जान ही नहीं है, एकदम फालतू पिक्चर। और परफॉर्मेंस की बात करें तो विद्या बालन एकदम बोले एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज लगी। तो मेकअप भी उनका ठीक ठाक नहीं है, पता नहीं हाउ ऐसा लग रहा है उनको इंटरेस्ट ही नहीं पिक्चर में काम करने का। वो ऐसे ही डायलॉग बोल रही है, फटाफट शॉट खत्म करके घर जाने उनको। शी इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्ट इन द मूवी। बाकी जो दूसरे जो कलाकार विजय राज है, सरज सक्सेना है और दूसरे कुछ एक्टर्स है, किसी के परफॉर्मेंस में दम नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट में इट्सेल्फ इज वेरी वेरी वीक। और कुछ जगह डायलॉग्स आदिवासी की एक औरत बताइए अपने बच्चों से बोल रही है, वहाँ जाने का आइडिया किसका था आइडिया, यूजिंग इंग्लिश वर्ड, आदिवासी लोग इंग्लिश बोल रहे, वेरी गुड डायलॉग्स। तो ऐसे कुछ कुछ जगह पे तो आपको सीन देखे आपको बोला ये क्या चल रहा है, ये फिल्म है, वेब सीरीज है या टीवी सीरियल है? अच्छा हुआ थिएटर में नहीं आई, वरना शेरनी के डिस्ट्रीब्यूटर रस्ते पे फिर नहीं बेचते। इट कुड हैव बीन अ बिगेस्ट डिजास्टर। शेरनी फिल्म अगर आपको देखनी है तो देखो, कि ये पिक्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने ये फिल्म आधे में छोड़ दी, अगर थिएटर में लगती तो मैं थिएटर में आई थिंक 15-20 मिनट में घर छोड़ के आ जाता। अभी तो घर में देख रहा हूँ ठीक है, अदरवाइज दिस फिल्म इज अ डिजास्टर। तो शेरनी को जिन लोगों ने 4 स्टार्स 5 स्टार्स दिए, 3.5 स्टार्स दिए, उनको सल्यूट करता हूँ उनके नॉलेज को, कि शेरनी को इन्होंने 3.5 स्टार दिए, तो अभी मैं क्या बोलूँ। तो गाइस इफ यू वांट टू वॉच शेरनी यू कैन वॉच इट, आई डिन लाइक इट। मेरी तरफ से इस पिक्चर को मिलेगी 5 में से 0, इट इज अ डिजास्टर। शेरनी भीगी बिल्ली साबित हुई। तो गाइस यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन दिस बाय बाय, सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।